तो आज हम विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करी तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए देखते हैं, किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो संवेग। संवेग कौन सी राशि होती है? सदिश राशि। किसी वस्तु की वह ऊर्जा जो उसकी गति के कारण होती है तो उसे काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा जो कि हाफ एम वी स्क्वायर जूल के बराबर होता है। किसी वस्तु की वह ऊर्जा जो उसकी स्थिति के कारण होती है तो उसे पोटेंशियल एनर्जी अर्थात स्थितिज ऊर्जा कहते हैं जो कि पी ई जो है एम जी एच के बराबर होता है। जी का प्रामाणिक मान जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। प्लवन करती हुई वस्तु का जो आभासी बार जो होता है क्या होता है? तो शून्य होता है। भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल क्या कहलाता है? तो आसंजक बल। वह बल जिससे पृथ्वी किसी अन्य वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे गुरुत्वीय बल कहते हैं। बाद बनाकर जलाशय में रोके गए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी पदार्थ के 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा किसमें मापा जाता है? तो विशिष्ट ऊष्मा जो होता है। इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ? तो अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में। तो ये थे विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।